कहां है वो आपके क्रिकेट के अबू जो आज जीरो पर आउट हो गए, कहां है वो क्रिकेट के जो जिनको आप कहते हैं कि अंदाता हैं, ये जो है क्रिकेट की शान है, ये क्रिकेट की जान है, और आज देखा कि कैसे डंडे उड़ाए उनके शाहीन शाह आफरीदी ने। अबे भिखारी, खाली पेट मैच जीत के करोगे क्या भाई? आटा थोड़ी मिलने वाला है तुम लोगों को। बारिश ने शायकीन का जोश ठंडा कर दिया। पाकिस्तान और भारत का मैच खत्म करने का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान भर में मायूसी के बादल छा गए। पाकिस्तानियों ने कहा बारिश ने भारत को बचा दिया, बॉलर्स ने बैटिंग लाइन तबाह कर दी थी। करो बारिश पै गई जी, इज्जत रख ली अल्लाह ने ताडी। हार्दिक पांड्या बुलाएगी एक बड़ी वड्डी, ओ बाबा जी ओ छक्के इंज बेलदा जी स्वाब दा काम है। लेकिन अभी अगर मैच होता मैं कह रहा था मुश्किल होता पाकिस्तान के, इतना इजी टोटल नहीं था अबव 250 ऐसी सिचुएशन के अंदर, यू नो जो होना था वो तो हो गया। बारिश ने आके सारा मजा खराब कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान फेवरेट था, वो कह रहे हैं इंडिया फेवरेट था। ये तो चलता रहेगा, ये तो होगा, ये चलेगा तब तक जब तक 10 सितंबर नहीं आती, दोबारा से आमने सामने नहीं आते। पाकिस्तान के साथ जो आप आज जो कुछ ईशान किशन ने किया ना, इसकी तवक्को मुझे बाबर आजम की कप्तानी से पहले आप समझे नहीं। आपने तैयारी किसकी करते हैं? आप मुश्किल पर तैयारी क्या? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा विराट कोहली सभी की तैयारी थी ना भाई। देश के इकोनॉमी थोड़ी अच्छी होगी कि तुम लोग खुश हो रहे हो कि भाई मैच जीतेंगे, एशिया कप जीतेंगे। लगता है एशिया कप बेचने का इरादा है। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह की तेज बालों को हैंडल किया और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और तनहा खड़ा रहा हार्दिक पांड्या के साथ। आज जो बारिश है ना उसने पाकिस्तान को बचाया, तो भाईजान ये सच है, बारिश ने ही पाकिस्तान को बचाया है। वरना अगर आप कहते हैं कि बारिश ना होती और वो 267 चेज करता पाकिस्तान, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर कह रही है कि क्या हुआ, भारत के टॉप ऑर्डर चले ही नहीं हमारे पाकिस्तानी बॉलरों के सामने। लेकिन इनको कौन समझाए कि अगर भले ही भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं चले हों, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने इन पाकिस्तानियों को औकात दिखाने के लिए काफी थे, जिन्होंने 138 रनों के साझेदारी के साथ भारत को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया था, जिसको देखकर ये पाकिस्तानी मीडिया अपने ही कप्तान यानी बाबर आजम के ऊपर बौखला गए हैं कि इतने ज्यादा स्कोर कैसे हो गए, जबकि भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जल्द ही आउट हो गए थे। लेकिन इनको कौन समझाए कि इन पाकिस्तानियों की यही औकात है कि भारत के सामने इनकी एक भी नहीं चलती। भले ही भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आउट हुए हों, लेकिन इन पाकिस्तानियों को औकात दिखाने के लिए हमारे मिडिल ऑर्डर ही काफी है। आज एक मौका था पाकिस्तान के पास, बारिश ना होती तो पाकिस्तान के लिए आज ये चेस, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये वो चेस था जो मेरे ख्याल में बाबर आजम की कप्तानी को प्रूफ कर देता कि नहीं यार, इसने 3 साल तक इसको जो मजे लिए हैं, इसने जो मर्जी के लड़के इसने खिलाए, जो आंख के तारे इसने खिलाए, जो नवाज को इसने गोद में बिठा के रखा। मगर ये पाकिस्तान के साथ जो आप आज जो कुछ ईशान किशन ने किया ना, इसकी तवक्को मुझे बाबर आजम की कप्तानी से पहले भाई तो चार टीवी बंद हो जाता है। आप समझे नहीं, आपने तैयारी किसकी करते हैं? आप मुश्किल पर तैयारी क्या? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा विराट कोहली सभी की तैयारी थी ना। मसला वो ये ना कि ये भी बाबर आजम भी एयू खान के गैस पेपर पे चलते हैं। गैस पेपर आ गया, गैस पेपर में क्या है अभी, ये 4 सवाल मुश्किल है, इसकी तैयारी कर लो। हाँ। पता चला उसके बाद जो आसान वाले सवाल हैं वो मुश्किल पड़ गए आपको, तो इनके साथ तो वो वाला सीन है। कोई तो खेलेगा ना आगे। तो यार तो भैया मैं यही तो कह रहा हूं, आपने तैयारी करी इनके ऊपर। हाँ। ठीक है, टांग में अगर मोच ना आती ना ईशान किशन के 80 रन पे, कभी आपने देखा किसी बैट्समैन को इस तरह का शॉट मारते? ईशान से पहले क्या हुआ, रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ? तो ये तो सबसे बड़ी लानत बाबर आजम की कप्तानी में हुई ना भाई। मैं आपको गिना देता हूँ, 2021 में इसने यही लानती कप्तानी करी, पाकिस्तान हार गया। राजा 15 ओवर में 66 रन, 4 आउट हो गए आपके सारे, आपने पूरी फौज गिरा दी इंडिया की, 66 रन आपके गले को आ गया, पूरी बॉलिंग खा गया आपकी, क्या बातें कर रहे हैं? डिफिकल्ट थी, बट ये ऐसा टोटल था जो अचीवेबल लग रहा था हमें, एटलीस्ट इंडिया की इनिंग्स के बाद भी हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम, हमारे बैट्समैन इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस टोटल को अप्रोच कर सकते हैं।
सैडली मैच नहीं हो पाया। बिल्कुल मैंने भी यही लिखा था कि भाई अचीवेबल है और मुश्किल भी होगा। आई विश के 10-15 ओवर हो जाते ना, थोड़ा सा हमें पता चल जाता कि हमारे बैट्समैन किस मूड में है। बॉलिंग के अंदर वही जो बात हुई थी कि शुरू के दो ओवर ने इतने मजेदार नहीं कराए शाहीन ने, थोड़ा सा उसकी जो लाइन थी डायरेक्शन ऑफ द बॉल टुवर्ड्स द लेग साइड थी, बाद में वो बहुत अच्छा हो गया, बड़ा खूबसूरती के साथ वापस आए थे, बहुत अच्छा हो गया। और उनको इसलिए भी नुकसान हुआ इंडियंस को कि वो ब्रेक आ गया था बारिश की वजह से, 5-10 मिनट के लिए बाहर गए तो वापस आए तो उसके बाद वो एकदम से फिर वो कोलैप्स हो गए। फिर वही बात जो मोइन ने कही कि कप्तान को इस तरह की जब सिचुएशंस आती हैं प्रेशर और बिल्डअप करना चाहिए, स्लिप ना रखे, शॉर्ट कवर रख ले ताकि वो ड्राइव मारने जाते हैं तो उधर उनको थोड़ा सा जहन में होता है, तो वो थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। यार ये आपने किया क्या, मतलब आपने 15 ओवर में आपने जो प्लान आपने किया वो एग्जीक्यूट कर गया, आपके बॉलर सुन तो लीजिए, बाबर आजम को हमेशा बॉलर्स ने गेम में रखा है, ठीक है। अच्छा अब गेम निकलता कहां से, गेम निकलता यहां से कि आप में तपड़ तो है नहीं, डरपोक आप कप्तान है, हमने तो जो करना था वो मोमेंटम कर लिया। और ये सीरियल रैली मैं मजाक नहीं करता, 2021 का अगर आप देखने जाते हैं T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, तो वहां उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि फखर ने जो छक्के मारे हैं वो स्टार्क को मारे हैं। किसको मारे, स्टार्क को मारे भाई, जहां पर आपने फखर से ऊपर हफीज को भेज दिया था, जाओ तुम भी जो मजे ले लो, तुम्हारा बल्ला भी चल रहा है वो भी फेल हो गया, नीचे अगर फखर रन ना करता तो आपके पास लड़ाई के रन नहीं थे, ठीक है। आपने शाहीन को ओवर रख लिया, आपकी कैलकुलेशन फेल हो गई थी, आज भी आप बच गए यार, मैं तो कह रहा हूं बच गए, आज भी 3 ओवर बच रहे थे आपके पेसर्स के। भैया अगर मैच फीस का जुर्माना होता है तो होने दो यार, अगले 15 ओवर में तुमने अपने पेसर्स को तुम लगा के रखते, एक एंड से लगा के ही रखते, अगले 15 ओवर में पैक करना था तुमने इंडिया को यार, 140 रन के ऊपर। फिर भी देखा जाए जो मोमेंटम था वो पाकिस्तान के फेवर में आया है, शुरू में आया है, फिर आखिरी 10 ओवर में फिर निकल गया था, फिर वापस आया है। और ये जब ऐसी चीजें होती है ना तो सारा प्रेशर सेकंड टीम पे चला जाता है जिसने फील्डिंग करनी होती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 300 स्कोर, अब वो उतना स्कोर हुआ नहीं। तो ये क्रिकेट में अक्सर देखा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि 1986 में सलीम जाफर का ओवर में आखिरी ओवर में 16-20 रन हो गए तो वही हमें लेके बैठ गया था, तो आखिरी ओवर की वजह से वो मैच हम हार गए, तो ये इंपैक्ट होते हैं क्रिकेट में। आप एक्जैक्टली यही चाह रहे थे वैसे, क्योंकि आप फातिमा के साथ थे तो मैं सुन रहा था आपको कि ये मैच ऐसा होना चाहिए कि कभी पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आए, कभी भारत जीतने की पोजीशन में आए, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। देखिए एक्साइटमेंट मैं चाह रहा हूं कि देखिए आवाम भी चाहती है कि थोड़ा सा मैच जरा एक्साइटमेंट हो रहा है, ये तो नहीं कि वन साइडेड इंडिया जीत जाए, वन साइडेड पाकिस्तान जीत जाए, तो वो फिर कोई मजा क्रिकेट हो जाता है। भी पाकिस्तान की बॉलिंग को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम सेटल है, तो फिर मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि आज मैंने जितना इंडियन मीडिया को कंफ्यूज देखा इससे पहले मैंने नहीं देखा। मैं किसी का नाम यहां पर लेना नहीं चाहूंगा, वो कह रहे थे कि सुसाइड किया इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो फैसला किया, मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि उनकी निगाह में ये बात थी कि ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, ड्यू फैक्टर नहीं होगा, अंडरलाइट बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा। और इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम में बुनियादी फर्क है, इंडिया की टीम की अगर आप बात करते हैं उनको अपनी मिडल ऑर्डर बैटिंग स्ट्रेंथ का पता था, उनको इस बात का अंदाजा था कि उनका जो लोअर ऑर्डर है उसमें स्पार्क नहीं है। आप देखो कि लंबे पे लग रहा था 300 करेंगे, नहीं कर सके, एक बार फिर हमारी बॉलिंग जो है उनको पड़ गई। हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि शाहीन शाह आफरीदी ने ऊपर से आपको विकेटें लेकर दी, लेकिन अब जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं, आज अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने आखिरी स्पेल में भी विकेटें लेकर दी, लेकिन ये जो क्रिकेट है दानिश ये कंप्यूटराइज क्रिकेट है। आपकी स्पिन अटैक नजर नहीं आया, कहां है स्पिन अटैक, और अगर था भी ना आपने खिलाया था ना, देखिए वो जो आप कह रहे हैं ना बॉलिंग करवाने का, देखें आप पीछे भी तो आप देखेंगे ना, धूप निकल आई थी, बल्ले में बॉल आनी शुरू हो गई थी, सारा कुछ था। आप अगर देखिए जिस टाइम में करवाने थे ना ओवर, करवाए, मार जरूर पड़ी मगर विकेट भी लेके दी, आपने देखा कि जो विकेट भी मिली आपको और आप दोबारा गेम में वापस आ गए, वरना कोई सोच सकता था कि 300 से 350 के अंदर रन बनते थे उनके, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, चेंज हुआ ना सारा के अंदर आउट हाँ, वो अपनी अपनी जगह है कि वहां पे प्रेशर डालना चाहिए। देखिए मैं प्लेयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पांड्या कभी भी बल्ले बैट पैट साथ खेलने में नहीं, उसने स्लिप मार देना है, उसने उठा के मार देनी, आप उसके ऊपर तो रखो स्लिप बात के, एक सिल्ला सामने अगर कोई खड़ा हो ना बहुत मुश्किल होता है, जिससे रोकना ज्यादा बेहतर लगे, ये कहा जाता है ये पांड्या टाइप के जो प्लेयर हैं कि आप बाउंड्री रोक दो तो ऑटोमेटिक आउट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया अपने ही कप्तान यानी बाबर आजम को जमकर ट्रोल कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का पहला भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि यह मैच कैंडी में खेला जा रहा था, जहां पर बारिश के पहले ही आसार बताए जा रहे थे, लेकिन बारिश के कारण एक ही पारी हो पाया और दूसरे पारी में बारिश के कारण मैच को पूरा ही रद्द करना पड़ा।
जिसमें भारतीय बल्लेबाजी पहले बल्लेबाजी करते हुए 266 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद ये पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि हम इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। वहीं आपको बता दें कि भारत का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चल नहीं पाया, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने इन पाकिस्तानियों की छक्के छुड़ा दी, जिसके कारण इन पाकिस्तानी बॉलरों को औकात का पता चल गया कि भारत के टॉप ऑर्डर मिडिल नहीं चलेंगे तो भी मिडिल ऑर्डर तैयार हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि इन पाकिस्तानी बॉलरों को भारत के सामने कोई औकात नहीं है, क्योंकि भले ही भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने शानदार 138 रनों की साझेदारी की थी, जिसके बदौलत भारत एक अच्छे स्कोर तक पहुंच गया था, जिसको देखकर पाकिस्तान वाले शॉक्ड हो गए थे कि इतने ज्यादा कम स्कोर थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बॉलरों ने कैसे बॉलिंग की कि भारत इतने ज्यादा स्कोर बना लिया, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया अपने ही कप्तान यानी बाबर आजम के ऊपर ट्रोल कर रही है कि इतने पुअर कैप्टेंसी के कारण भारत इतने ज्यादा स्कोर कैसे बना लिया, जबकि 44 पे लगभग 4 विकेट गिरे हुए थे भारत के। वहीं ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि भारत के टॉप ऑर्डर को केवल आउट करने की जरूरत है, लेकिन कल इनको पता चल गया कि भारत के कैसे कैसे बल्लेबाज मौजूद हैं। वहीं अगर ये मैच बारिश के कारण रद्द नहीं हुआ होता तो इन पाकिस्तानी बॉलरों को और पाकिस्तानी बैट्समैनों को भारतीय बॉलर तैयार थे पीटने के लिए, लेकिन बारिश के कारण खैर ये मुकाबला रद्द हो गया। वहीं अगर ये बारिश के कारण मैच रद्द नहीं हुआ होता तो भारतीय गेंदबाज बुमराह इन पाकिस्तानी बैट्समैनों की हालत खराब कर देते। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि अगर मैच कल का पूरा हुआ होता तो कौन सी टीम जीतती, हमें अपनी राय ये भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।